नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मेरा नाम डॉक्टर राजीव अग्रवाल, पर्यावरण विभाग डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय लौणी से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको सोलर ड्रायर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सोलर ड्रायर, इसका उपयोग सब्जी, फल, बीज, औषधीय पदार्थ तथा घरेलू उत्पाद को सुखाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आमतौर पर हम लोग जितने भी हमारे उत्पाद होते हैं, फसल होती है, उसको हम खुली धूप में सुखाते चले आ रहे हैं सदियों से। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसकी जो गुणवत्ता होती है बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें धूल, मिट्टी, कीट कीटाणु, पक्षी और बेमौसमी बारिश तथा जो आजकल जंगली जानवर हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है। उसके कारण जो उसकी गुणवत्ता जो काफ़ी कम हो जाती है और आपको जो है बाज़ार में भाव उसका कम मिलता है। सोलर ड्रायर में हम लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि हम इस चीज़ को इनसे बचाएं ताकि इसकी गुणवत्ता अच्छी बने और आपको बाज़ार में जो मूल्य है वो अधिक मिले। इसमें दो पार्ट होते हैं। एक भाग है जिसमें हम सूर्य द्वारा हवा को गर्म करते हैं और उस गर्म हवा को हम कक्ष में लेके जाते हैं जिसमें कि ट्रे लगी हुई है। ट्रे को हम बाहर करते हैं, उसमें पदार्थ रखते हैं तथा ट्रे को बंद करके हम इसको छोड़ देते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब हम खुली धूप में सुखाते हैं तो कभी कभी हम बीच में उसको हिलाते रहते हैं ताकि वो जो पदार्थ है वो पूरी तरह से सूख जाए। इसी तरह से हम सोलर ड्रायर में क्या करते हैं कि कभी कभी बीच में आके ट्रे को हिला देते हैं, उससे क्या होता है कि जो पदार्थ है वो पूरी तरह से सूख जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे सूर्य की किरणें हैं उससे हवा गर्म होती है और हवा गर्म जो है वो कक्ष में जाती है, उससे पदार्थ जो है सूख जाता है तथा हमने पीछे पंखे दिए हैं जिससे कि नमी है वो उसको बाहर खींच लेता है। इसमें जो हमारी सुखाने की जो समय होता है वो कम होता है तथा सूखे पदार्थ की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। उसमें वही कलर होता है, वही रंग होता है जो पहले होता था। इसमें जो पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, जिससे कि ये खाने में इसका जो टेस्ट है, जो स्वाद है वो भी अच्छा होता है और इसका जो बाज़ार में आपको अधिक मूल्य मिलता है। आपने देखा होगा कि जो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में क्या था कि आपकी फसल खराब हो गई थी, आप इसको बाज़ार में नहीं ले जा पा रहे थे तथा आज से आपको काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर ये सोलर ड्रायर आप लगाते तो इसमें उन फसलों को सुखाया जा सकता था तथा उनको पैकेट में बंद करके जब मार्केट में अच्छा रेट मिलता तब आप उसको बेच सकते थे, जिससे कि आपकी आमदनी में होती और आपके जो फसल है वो नष्ट भी नहीं होती। इसमें जो सुखाने का जो तरीका है ये है, ये ट्रे दी गई है, इस ट्रे में हम लोग पदार्थ को रखते हैं, जैसे कि इसमें पदार्थ रखा हुआ है, इसको स्लाइस की तरह काट रहे हैं और इसको एक ही लेयर में, सिंगल लेयर में होना चाहिए, एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए, ये सिंगल लेयर में होना चाहिए ताकि इसमें से हवा भी निकले और जो इसकी जो नमी होगी वो पंखे जो हमने यहाँ पंखा लगा रखा है ये इसकी जो नमी है इसको ये बाहर कर लेगा। इसमें हमने तापमान को नियंत्रण करने के लिए एक प्रणाली दी गई है जिसके कारण जो इसका जो तापमान है वो अधिक नहीं होता है। आमतौर पर हम लोग इसको 60 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं जिसके कारण क्या है कि पदार्थ जो अच्छी तरह सूख जाता है और सही समय पे उसको सूख जाता है। अगर किसी भी जगह पे अगर तापमान 60 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो हमने इसमें कोड दिया हुआ है, उसके कारण जो पंखा अपने आप चल पड़ता है और तापमान नीचे आ जाता है तथा आपका जो पदार्थ है वो नष्ट नहीं होता है। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जब आप खुली धूप में इसको सुखाते हैं तो सुबह आप इसको बाहर लेके आते हैं, शाम को आप इसको फिर अंदर लेके जाते हैं, लेकिन सोलर ड्रायर में क्या है कि जब आपने पदार्थ को एक बार इसमें रख दिया है तो इसको बार बार अंदर बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जब ये सूख जाएगा 2-3 दिन के बाद आप इसको बीच में देखते रहें, जब सूख जाएगा तो इसमें जो है आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जो आपकी देखभाल करने की जो लेबर थी, जो समय आप इसमें जो लगाते थे वो आपका वो इसमें नहीं लगेगा और उस समय को आप अपनी फसल के अपने खेतों में काम कर सकते हैं। इसका जो मूल्य है लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये आता है, क्योंकि इसकी क्षमता है वो 30 से 40 किलो एक बार की है। तो अगर ये छोटा भी अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें लागत जो उसकी कम हो जाती है। ये आसानी से कारपेंटर जो आपके आसपास के जो कारपेंटर हैं उनको बना सकते हैं तथा इसका जो सामान है वो सारा जो है हार्डवेयर जो है उसका सारा उस दुकान से मिल जाता है और ये आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें इसकी 10 साल तक तो ये ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमने सारा इसको शीट से क्लोज किया है तो इसमें कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है।
और जो पदार्थ होता है उसको आप पॉलिथीन पैक में अच्छी तरह से पैक करें। अच्छी तरह से पैक करने के साथ साथ एक छोटी मशीन आती है, 2-3 हज़ार रुपये की मशीन आती है जो सीलिंग मशीन होती है, उससे आप इसको पैक कर देंगे तो ये 5-6 महीने तक ख़राब नहीं रहता है। तो 5-6 महीने तक जब आपको अच्छा रेट मिले मार्केट में तो उसमें आप इसको अगर मार्केट में बेचने जाएंगे तो आपको उसमें अधिक मूल्य मिलेगा और आपकी जो फसल है वो नष्ट भी नहीं होगी। किसान भाइयों, मैं एक चीज़ इसमें और बताना चाहता हूँ कि अभी जो हम इसे जो पंखे हैं वो बिजली से चला रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको सोलर से चलाना चाहते हैं तो हमारे को सोलर पैनल लगाना पड़ेगा और इसमें बैटरी लगानी पड़ेगी, जिससे कि इसकी कीमत जो है बढ़ सकती है। इसमें हमने जो कारपेंटर हैं हिमाचल के, उनको हमने ट्रेनिंग दी है, उनको 3 दिन की ट्रेनिंग दी है, 7 दिन की ट्रेनिंग दी है, जिससे कि वो सोलर ड्राइव बना सकते हैं, आपके अपने एरिया में बना सकते हैं। हम आपको उसका नाम और उनका पता आपको दे सकते हैं, जिससे आप उनको बनवा सकते हैं। इसमें आप देखिए कि जिस तरह की फल हैं हमारे, जैसे आज के खुमानी है, पलम है, आड़ू हैं, सेब हैं, अनारदाना है, कोई भी फल है आपका, हमने इसमें आम भी सुखाए हैं, जो पके आम है वो भी सुखाए हैं इसमें। 3 दिन में हमारा जो जून के महीने में हम 3 दिन में जो है पका आम भी इसमें सुखाया है। तो इसमें सभी प्रकार के फल सुखाए जाते हैं, सब्जियां हैं जैसे टमाटर है, गोभी है, शिमला मिर्च है, कोई भी सब्जी आप भी सुखाते हैं। हमने बढ़िया इसमें बहुत सुखाई है, बढ़िया है, पापड़ है, और कोई भी जैसे पुदीना है, धनिया है, ये कोई भी चीज़ आप इसमें सुखा सकते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर हमने 20 जगहों पर सोलर ड्राइव लगा चुके हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के लोग जो है अपने पदार्थ इसमें सुखा रहे हैं। ये जो ड्रायर है ये हमने एक परियोजना के अंतर्गत विकसित किया है, जो भारत सरकार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने हमें दिया था, उसमें हमने इसको विकसित किया है तथा उन्होंने ही उस परियोजना के अंतर्गत हमने 10 सोलर ड्रायर जो हैं उसमें लगाए थे, और जो बाकी के जो 10 सोलर ड्रायर हैं वो हमने किसानों ने खुद उसके लिए अपने पैसे जो हैं उसको दिए हैं। इसमें जो है अगर हम इसका साइज जो छोटा करना चाहते हैं तो साइज छोटा किया जा सकता है, जिससे कि लागत में कमी आएगी। अगर इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसको बड़ा भी बनाया जा सकता है, तो उसमें थोड़ी लागत जो है बढ़ जाती है। इसमें एक बार में आप अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ भी सुखाना चाहते हैं तो इसमें ट्रे हैं, उसमें अलग ट्रे में आप अलग पदार्थ रख सकते हैं, जिससे कि एक साथ आपके कई तरह के पदार्थ जो सुखाए जा सकते हैं। वो ये घरेलू उपयोग में भी लाया जा सकता है, जैसे घर में हम लोग अपनी सब्जियां सुखाते रहते हैं, जो हमारा बचा सामान होता है उसको सुखाते रहते हैं, उसी प्रकार से अगर इसमें सुखाएंगे तो उसकी गुणवत्ता अच्छी बन रहेगी, ख़राब नहीं होगा तथा इसमें किसी प्रकार की देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अगर किसान भाइयों ने अगर इस सोलर ड्रायर को बनवाना हो तो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, और जो हम अगर आप जिस जगह पर रह रहे हैं हम उसी जगह के जो कारपेंटर हैं उनके नाम हमारे पास हैं, हम उनको कह सकते हैं कि भाई आप इस जो है इस घर में आप सोलर ड्रायर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमसे बनवाना है तो हमारे जो ट्रेन कारपेंटर हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में काम करते थे वो भी इसको बना के दे सकते हैं, लेकिन आपको इसका जो खर्चा है वो यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए वो उसको बहन करना पड़ेगा।